घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप एक बेहतरीन ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप घर बैठे हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं, जिसमें कि ऑडियो क्लिप्स होती हैं जिनमें जो गुरु हैं, जो एक्सपीरियंस कलाकार हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग गाते हैं, उनके बाद आप रिपीट करते हैं, तो ख्याल आपको वहाँ सीखने को मिलते हैं, गीत आपको सीखने को मिलते हैं। तो कूपन कोड और लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देखिए, डाउनलोड कीजिए और सीखिए। अगर हम शास्त्रीय गायकी की बात करें या सिंगिंग की ही बात करें सिर्फ, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें फैली हुई हैं, लोगों के वहम बने हुए हैं कुछ कि ये करने से शास्त्रीय गायन में या सिंगिंग में हेल्प मिलती है, ये करने से हेल्प मिलती है, और वो जो ये जो चीज़ें वहम फैली हैं उसमें रियाज तो नहीं है कि रियाज करने से कुछ होगा, ये लोगों को नहीं लगता है। अच्छा। जबकि और दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कुछ खा पी लिया उससे बेनिफिट हो गया, है ना, तो मैं उस पर ही कुछ आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि जैसा ये चीज़ तो आपने भी मुझे बताया है कि खाने पीने का अगर कुछ असर होता है तो क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, मगर आपने ये चीज़ भी मुझे साथ में बताई है कि वो सोने पे सुहागा करती है ना, लेकिन सोना जो है वो रियाज ही बनाता है, है ना, तो उस पर थोड़ी चर्चा हम करना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी कहते हैं कि शायद कुछ जैसे शराब है, शराब का सेवन करने से भाई, या कितना सेवन करने से वो गले में असर अच्छा करती है, गले को गर्म करती है, बेस लाती है, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मादक पदार्थ हैं जो एक्चुअली गले के लिए बुरे हैं उनके बारे में बता दीजिए, और कौन कौन से हैं जो अच्छे हैं, और अच्छे हैं तो कितना अच्छे हैं और कितना लेने पे अच्छे हैं, उस पर हम चर्चा करें। तो मादक पदार्थ कोई भी हो गले के लिए अच्छे हैं ही नहीं, अच्छे हैं ही नहीं, है ना, बिल्कुल। आप अल्कोहल अगर लेते हो उसकी अगर लिमिट रखते हो तो वो आपको हेल्प करता है, ठीक है, अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो तो वो आपको नुकसान ही करेगा। तो मादक पदार्थ आप कुछ भी ले लो, आप चाहे भांग ले लो या गांजा ले लो या अफीम ले लो या सिगरेट ले लो या शराब ले लो, शराब के अल्कोहल के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको नुकसान देगी, ठीक है, और अल्कोहल ज़रूर आपके गले को बेस को बढ़ाता है, लेकिन उसकी लिमिट है, वो इतना सा दवाई के, आप दवाई का एक चम्मच कैसे लेते हो, वो एक चम्मच आपने अगर आपकी अभी खांसी है तो आपने एक चम्मच ले लिया, क्या आप दवाई हर समय पीते हो? नहीं पीते हो, तो आपका गला, मान लो आपके गले में कुछ गड़बड़ है तो आज आपने थोड़ा सा कटोरी गर्म करके अल्कोहल उसमें डाल के और थोड़ी ब्रांडी ले ली उसमें डाल के, हल्दी डाल के रात को ले लो, ठीक है ना, इतना इस लिमिट से करोगे तो ठीक है, और अगर आप एंजॉय करने के लिए उसको ले लेते हो तो वो आपको नुकसान देगा, आपके जो है लंग्स तो खराब होते ही, वो तो बहुत ज्यादा पीने पे होते हैं, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग को भी नुकसान पहुंचाएगा वो, और आपकी क्रिएटिविटी को कम करेगा, है ना, आप नशे में होते हो तो कुछ सोच थोड़ी पाते हो, सोचने बात, बहुत से कलाकार होते हैं जिनकी आदत होती है, वो आदी हो जाते हैं कि वो लेने के बाद ही गाएंगे, वो थोड़ा सा अल्कोहल लेंगे और फिर गाएंगे, ये अब ये आश्रित हो गए ना, वो आश्रित हो गए, आश्रित हो गए ना भाई, कि अगर ये नहीं लिया तो नहीं गा पाएंगे, तो ऐसी आदत क्यों डालना, कि जिसमें आदत किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए, आप उसको दवा की तरह कभी यूज कर लो, और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि उसको रोज इस्तेमाल करो आप, रोज नहीं लेना चाहिए, आपको कभी लगता है कि आज गला ठीक नहीं है तो आप थोड़ी सी ब्रांडी ले सकते हो, चलो ठीक है, लेकिन वो दवाई की तरह से, अगर आप इंजॉय करने के लिए बैठ गए और ले रहे हो तो वो गलत हो जाता है, बाकी हाँ ये ज़रूर आपको हेल्प करती है उसके, आप वो गले को भी ठीक कर देगी और बेस को भी बढ़ाती है, आपका बेस बढ़ता है उससे, ये बात सही है ना, लेकिन बेस बढ़ जाए और गायकी खत्म हो जाए तो क्या मतलब, फिर क्या फायदा है, आपके आपकी जो सांस की प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाए, आपका स्टेमिना खत्म हो जाए, जब गाने के लिए जितना स्टेमिना चाहिए वही नहीं रहेगा तो फिर कैसे गाओगे, तो इसलिए ये आवश्यक है, बहुत मर्यादित तरीके से इसको लेंगे तो वो फायदा करती है वरना नुकसान करेगी। नॉनवेज के लिए भी लोग राय देते हैं? नहीं, नॉनवेज में ऐसा कुछ नहीं, कि वो गर्मी करता है ऐसा, वो गर्मी करता है और वो ठीक है कि वो थोड़ा सा पावर देता होगा, थोड़ा देता है पावर, है ना, वो शरीर में ताकत रहती है, लेकिन आप दूसरी चीजों से भी ताकत ले सकते हो, उसके लिए नॉनवेज खाने की आवश्यकता, बिल्कुल, है ना, ये वर्तमान में ऐसा होता है कि हाँ आपको
अगर प्रोटीन चाहिए तो आप मुर्गा खाओ, लेकिन प्रोटीन की दूसरी चीजें भी तो हैं, अल्टरनेट्स हैं उसके, तो आप वो खाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपको, हाँ आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। आपको अगर प्रोटीन खाना है और प्रोटीन में आपको मुर्गा ही खाने की इच्छा है तो आप खाओ, आपकी इच्छा है। पर उसका जरूरी नहीं है संगीत का ऐसा कुछ कि संगीत नहीं, वाले नहीं, को खाना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो आवाज में वो पंच ही नहीं आएगा, बिल्कुल है ना। क्योंकि कई लोग ऐसी राय भी देते हैं लोगों को, वहम जो मैंने आपको शुरुआत में कह दिया कि लोगों के वहम बैठे हुए हैं कि शराब तो पीना ही आवश्यक है और फिर तो पीनी ही पड़ेगी, और वो नहीं आवश्यक है ना। शराब पीने की बनिस्पत आप रियाज कर लो ना, रियाज कर लो, आप रियाज कर लो तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी जरूरत कब पड़े, जब आपको आपका गला खराब हो गया है ना, आपने थोड़ा सा कर लिया इस्तेमाल, चलो ठीक है, आपके दवाई लेने की इच्छा नहीं है, है ना। दवाइयाँ भी एलोपैथी दवाइयाँ तो साइड इफेक्ट भी करती होगी, तो आयुर्वेदिक ले लो, आयुर्वेदिक ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो ठीक करती है गला, ठीक। और वो भी मैं वो भी कहता हूँ, अब लोग कहते हैं मुलेठी खा लो तो गला अच्छा रहेगा, अब रोज मुलेठी खाने की आवश्यकता ही नहीं, रोज मुलेठी क्यों खाना। आपका जिस दिन गला खराब हो उस दिन मुलेठी खा लो, है ना। मुलेठी क्यों खाते हैं कि स्वर भंग होता है, गला ठीक से नहीं काम कर रहा है ना, गले में कुछ इन्फेक्शन है, ऐसा कुछ हो गया है कि जिससे गला बैठ रहा है ना, तो मुलेठी खा लो। गला मीठा बनता है, मीठा तो रियाज से बनता है, मुलेठी खाने से थोड़ी बनता है। हाँ, मीठा तो रियाज से बनता है, सुरीलापन तो रियाज से आता है। उस आप उसको कितना भी खा लो, गले में जो बीमारी होगी वो खत्म हो जाएगी, पर सुरावट ठीक थोड़ी होगी, वो नहीं होगी।